देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना दस्तक दे रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली लगातार कोरोना के नए मामले बढ़ते जा रहे हैं। जहां एक दिन में 461 नए मामले दर्ज किए गए, जिस वजह से राजधानी में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 5.33% पहुंच गया। साथ ही कोरोना की वजह से दो मरीजों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। बता दें कि 15 मार्च के बाद यह पहली बार है जब दिल्ली में एक से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सूत्रों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में पॉजिटिविटी रेट 5% से अधिक रहता है तो सरकार पाबंदियां लगा सकती है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA शहर में कोविड 19 स्थिति की समीक्षा करने के लिए बुधवार को बैठक करने वाली है। इसमें कोरोना की रोकथाम को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है। वहीं दिल्ली वासियों का कहना है कि बढ़ते मामले कोरोना की नई लहर के आने का संकेत हो सकता है। उधर डॉक्टरों का कहना है कि भले ही संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन यह पिछली लहरों के मुकाबले गंभीर नहीं होगा। एम्स के पूर्व डीन डॉक्टर NK मेहरा ने कहा है कि लोगों को कोरोना से बचाव के लिए खुद ही उपाय करना चाहिए, जैसे सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना, हाथ धोते रहना, सफाई का ध्यान रखना आदि। दरअसल बता दें कि दिल्ली में अप्रैल की शुरुआत से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन कम लोगों को ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ रही है। वहीं सरकारी डेटा के अनुसार दिल्ली में कोरोना के कुल 9,735 बेड हैं, उनमें से सिर्फ 59 यानी कि 0.61% पर मरीज भर्ती हैं। इसमें 29 पॉजिटिव मामले भी शामिल हैं। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी सिर्फ चीन और यूरोपीय देशों तक ही सीमित नहीं रहेगी। तो दूसरी तरफ दो बार कोरोना को लेकर सटीक दावे कर चुके IIT कानपुर ने चौथी लहर आने की तारीख बता दी है। नई कैलकुलेशन के मुताबिक देश में 22 जून से चौथी लहर शुरू हो जाएगी। 23 अगस्त तक यह पीक पर पहुंचेगी और कम से कम अक्टूबर तक चलने का अनुमान IIT कानपुर ने लगाया है। इससे पहले IIT कानपुर ने देश में तीसरी लहर को लेकर किया गया है, वही अनुमान भी सही साबित हुआ है। लेकिन दिल्ली में बढ़ रहे मामलों को देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली में पाबंदियां और सख्ती से लगाई जा सकती हैं।